हेलो गाइस, हाउ आर यू। और आज इस वीडियो में हम लोग इजी ट्रिक सीखने वाले हैं PCl5 से। जब भी हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिएक्शन करवाते हैं तो क्या आउटपुट मिलता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया है, मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ, जरा ध्यान से देखिए। फर्स्ट, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन के साथ सिर्फ सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हो, ठीक है, यानी कि मैं किन की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन किसमें होता है? एक तो एल्कोहल में होता है और दूसरा केस में होता है ईथर में। तो जरा ध्यान से इसको देखिए, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, यानी अल्कोहल और ईथर केस में क्या होगा। तो मैं एक एग्जांपल के साथ मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ, जरा ध्यान से देखिए। सपोज हमसे पूछा कि यहाँ पर CH3, उसके बाद CH2 एंड देन OH। ये हमसे पूछा कि यहाँ पर अगर इथेनॉल का रिएक्शन PCl5 से करवाए तो क्या बनेगा, ये क्वेश्चन पूछा अगर आपसे। तो देखिए, आपको क्या करना है, अगर आपको कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिखे तो आपको सिंपली क्या करना है, ये सिंगल बॉन्ड आपको ऑक्सीजन के आजू बाजू में जो दिख रहे हैं उनको क्लीव करना है, उनको तोड़ना है, एक ये वाला बॉन्ड और एक ये वाला बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर PCl5 है तो उसमें से एक क्लोरीन तो इस तरफ दे देना है बॉन्ड क्लीव करने के बाद, एक क्लोरीन यहाँ दे देना है बॉन्ड क्लीव करने के बाद, और इस ऑक्सीजन को आपको हमेशा याद रखना है, बाकी बचा हुआ PCl3 आपको इसको दे देना है। तो आपको कंपाउंड क्या बनेगा जरा ध्यान से देखिए, बॉन्ड क्लीव करने के बाद एक तो बना आपके पास CH3, CH2 एंड देन Cl, ठीक है। दूसरा कंपाउंड क्या बना, HCl, ये देखिए HCl। और थर्ड कंपाउंड क्या मिला आपको, POCl3, ठीक है। तो ये बाय प्रोडक्ट्स भी कई बार पूछ लेते हैं, और एग्जैक्टली जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, इथाइल क्लोराइड, ठीक है। तो चलिए सेकंड मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसमें। मैंने ईथर के बारे में भी आपको बताया कि ईथर भी ऐसा ही आपको आउटपुट देगा। तो जरा ध्यान से देखिए, ईथर में भी क्या होता है, ऑक्सीजन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड ही होता है। सपोज मैं इस ईथर के लिए पूछ लूँ आपसे कि आप PCl5 का रिएक्शन कराए तो क्या आउटपुट मिलेगा, तो सिंपली आपको ये ऑक्सीजन के इधर और इधर ये जो बॉन्ड करने हैं, तोड़ने हैं आपको इन बॉन्ड्स को, इस तरफ एक क्लोरीन दे देना है, इस तरफ भी आपको एक क्लोरीन दे देना है, और इसको बाकी जो बचा है PCl3 वो किसको दे देना है, इस ऑक्सीजन को दे देना है, ठीक है। तो PCl5 का यहाँ पे बंटवारा हो गया एक तरह से कहे तो। एक तो हमारे पास क्या बना, मिथाइल क्लोराइड, ठीक है, दूसरी तरफ भी हमारे पास मिथाइल क्लोराइड ही बन रहा है, तो दो यूनिट हो गई, और साथ में क्या बन रहा है, POCl3। तो देखो ये चीज तो है, कॉमन मिलेगा आपको PCl5 में POCl3, ये जो प्रोडक्ट है वो कॉमन है। चलिए सेकेंड, ये तो हमारा हुआ केस नंबर वन, ठीक है। नाउ विल सी केस नंबर टू। केस नंबर टू का क्या सीन है, जरा ध्यान से उसको देखें। केस नंबर टू में मैं उन कंपाउंड्स को लूंगा जहां कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो, यानी कि मैं स्पेशली किन कंपाउंड्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड एक तो कीटोन में होता है, दूसरा एल्डिहाइड्स में होता है, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से इसको देखें, इस केस में क्या होगा, जरा हम एग्जाम्पल लेके करते हैं। सपोज मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड एक बार यहाँ पर R लगा दिया और एक बार यहाँ पर H लगा दिया, यानी एल्डिहाइड लिया, और इसका रिएक्शन अगर मैं PCl5 से करवाऊं तो क्या बनेगा, जरा ध्यान से देखो। तो बहुत सिंपली आपको क्या करना है, तो ये जो डबल बॉन्ड है आपके पास, तो ये जो डबल बॉन्ड है आपके पास, इसको आपको क्लीव कर देना है, तोड़ देना है, जरा ध्यान से देखिए। और जरा ध्यान से देखिए, डबल बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन की दो वैलेंसीज फ्री होंगी, उन दोनों का आपको एक एक क्लोरीन दे देना है, दे दिया, और इस ऑक्सीजन को तो फिर देना क्या है आपको, हमेशा जो आप देते आए हो दैट इज PCl3, इस ऑक्सीजन के साथ अटैच कर देना है। तो आपके पास जेमिनल डायहैलाइड बनेगा। तो जरा ध्यान से देखिए, एक तरफ लगा हुआ है R, एक तरफ लगा हुआ है H, और दोनों तरफ क्लोरीन आ जाएगा, ठीक है। ये प्रोडक्ट भी आपको काफी काम देता है आगे, अब इसको ध्यान से देखिए। और साथ में क्या मिलने वाला है, POCl3, अगेन वही प्रोडक्ट, मैंने आपसे कहा था कि ये चीज तो कॉमन होगी। दूसरा, सपोज मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल के तौर पे एल्डिहाइड की जगह अब कीटोन ले लूँ, सपोज यहाँ पर R और यहाँ पर R-, तो ये कीटोन हो गया, और अगर कीटोन का रिएक्शन PCl5 से करवाएंगे तो क्या बनेगा। तो मैंने आपसे अभी कहा था कि आप कार्बन टू ऑक्सीजन जो बॉन्ड है उसको तोड़ दीजिए, यहाँ पर इस बॉन्ड को तोड़िए, इससे क्या होगा, बेसिकली दो वैलेंसीज फ्री होंगी, इसको एक क्लोरीन दे दो, इसको एक क्लोरीन दे दो, और इस ऑक्सीजन को हमेशा हमें क्या देना है, PCl3 बचा हुआ। तो जरा ध्यान से देखिए, यहाँ क्या बनेगा, कार्बन उसके साथ यहाँ पर दो एल्काइल ग्रुप, उसके साथ यहाँ क्लोरीन, और यहाँ भी क्या है, क्लोरीन, और प्लस में आपको क्या है मिल रहा, POCl3, वही कॉमन प्रोडक्ट, ठीक है।
अब हम लेते हैं थर्ड केस। तीसरे केस में हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली, थर्ड केस में हम लोग ऐसा केस ले रहे हैं जहां पर कार्बन टू ऑक्सीजन आपको डबल बॉन्ड भी दिखाई देता है और कार्बन टू ऑक्सीजन आपको सिंगल बॉन्ड भी दिखाई देता है। तो चलिए ऐसे केस में क्या करेंगे। अच्छा, मैं किसकी बात कर रहा हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये जानने की जरूरत है। यहाँ पर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर उनके डेरिवेटिव्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर उनके डेरिवेटिव्स, तो अब जरा ध्यान से देखिए इस केस में आपको क्या करना है। तो इस केस में आपको इस डबल बॉन्ड को नहीं छेड़ना है, आपको सिर्फ ऑक्सीजन के सिंगल बॉन्ड्स पे ध्यान देना है, उन्हीं को क्लीव करना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर CH3, उसके बाद C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, उसके बाद O और यहाँ पर लगा हुआ है H। और इसका रिएक्शन सपोज आपने PCl5 से करवाया तो आपको क्या मिलेगा वो सोचना है हमें। अगर हमने इसका रिएक्शन PCl5 से करवाया तो आप देखिए ऑक्सीजन के आजू बाजू जो बॉन्ड है उनको क्लीव करना है। मैंने इस बॉन्ड को तोड़ दिया, इस बॉन्ड को तोड़ दिया, उसके बाद क्या करना है, एक क्लोरीन तो हमें इसको बांटना है, एक क्लोरीन हमें इस तरफ दे देना है, जो बाकी बचा वो ऑक्सीजन को दे देना है, यानी कि PCl3 वो हमने इसको ऑक्सीजन को दे दिया। तो फाइनली आपको प्रोडक्ट में क्या मिला, एक तो मिला CH3C डबल बॉन्ड O, और उसके बाद यहाँ पर क्या मिला Cl, इसको बोलते हैं एसिड क्लोराइड। ये आपके पास एसिड क्लोराइड बना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपको बहुत ज्यादा काम देगी आगे। प्लस साथ में क्या बना आपके पास HCl, ठीक है, ये सिंपल शॉर्ट ट्रिक है, ये मैकेनिज्म नहीं है। और साथ में POCl3, ये एज अ बाई प्रोडक्ट आपको आउटपुट पर मिलेगा। तो इस तरह से आपको परफॉर्म करनी होती है PCl5 की रिएक्शंस। लेकिन लेकिन आपको ध्यान रखना है, एक एक्सेप्शनल केस मैं आपको करवाता हूँ। सपोज आपके पास एसिड एमाइड आ जाए, तो जरा ध्यान से देखिए इस केस में अगर आपके पास एसिड एमाइड आ जाए, NH2 दिखाई दे रहा है आपको, NH2, इसको एसिड एमाइड कहते हैं। और अगर एसिड एमाइड का रिएक्शन आपने PCl5 से करवा दिया, देन वॉट। तो इस केस में आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको कुछ भी ऐसा जो आपको मैंने ऊपर बताया ऐसा वैसा कुछ नहीं मिलने वाला। आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या करना है, PCl5 की प्रेजेंस में आपको यहाँ से पानी को बाहर निकालना है। आप देखो नाइट्रोजन के दो बॉन्ड टूटे हैं, कार्बन के भी दो बॉन्ड टूटे हैं, तो वो दोनों क्या करते हैं आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। और आपको क्या क्या मिलता है, मिथाइल साइनाइड मिलेगा, टोटल कार्बन टू नाइट्रोजन तीन बॉन्ड बन गए और यहाँ से वाटर बाहर निकल गया। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी रिएक्शन प्रोसीड होती है गाइस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में PCl5 का रिएक्शन करवाया जाता है। सिंपल ट्रिक्स थी जो आपको शायद काम दे दें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, प्लीज शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियोज। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।